तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकिब अंसारी। तो दोस्तों, कल मेरे पास एक भाई ने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अपना बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पीछे का जो मेरा आप देख रहे हैं, इसकी आप ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का एक कपड़ा है, ये मैं कैसे रिमूव करता हूँ, ये इस बारे में भाई ने मुझसे पूछा था। तो आज इसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ इसी टॉपिक पर। तो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि मैं कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, किस एप्लीकेशन से मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, किस एप्लीकेशन से मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ग्रीन स्क्रीन है, तो मैं कैसे रिमूव करता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो एडिट करते हैं, जो नए यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती होगी वीडियो एडिट करने की। तो वो काइन मास्टर जो है काइन मास्टर एप्लीकेशन की यूज़ करते होंगे दोस्तों। अगर आपके पास सिंपली वो डाउनलोड है तो आप वहाँ से जाके आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाके वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, काइन मास्टर में एक ऑप्शन आता है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपली हम अपने आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं अपना जो है काइन मास्टर यूज़ करता हूँ उसको रिमूव करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो सिंपली मैं जो है काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना हो, यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिखता होगा, तो सिंपली आप इसको प्लस कर ले और 60.9 जो है 16.9 का फ्रेम रेट सेलेक्ट कर ले। तो दोस्तों, फ्रेम रेट सेलेक्ट करने के साथ ही साथ आपको मीडिया में जाना है। मीडिया पे जाने पे आपके पास अगर कोई और बैकग्राउंड हो तो आप वॉच सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जितनी लंबी आपकी वीडियो हो उतना लंबा इसे कर लीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं इसको उतना स्क्रॉल कर ले रहा हूँ। जैसे कि मेरे 2-3 मिनट की ये वीडियो होगी, तो मैं स्क्रॉल करके इसको सिंपली जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों, सिंपली मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आप कोई भी वीडियो अपनी जो है ग्रीन स्क्रीन के पीछे आपकी कोई भी वीडियो बनी हुई शूट करी हुई हो, तो वो यहाँ पे मैं आप देखिए सिंपली जो मैंने अभी वीडियो शूट करी है, मैं वही ले ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको आप जो है पूरा फ्रेम में फिक्स कर लीजिए। तो इसको मैंने पूरा फ्रेम में फ़िक्स कर लिया है। पूरा फ्रेम में फ़िक्स करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रोमा की ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, क्रोमा की ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, यह है क्रोमा की ऑप्शन। तो यहाँ पे क्रोमा की ऑप्शन मिलने के बाद अब इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे अनेबल का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली इसको दोस्तों अनेबल कर लेना है। तो अनेबल करने के बाद आपका जो है यहाँ से ग्रीन स्क्रीन हट चुकी है, तो इसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि मेरी ग्रीन स्क्रीन सही से काम नहीं कर रही है या मेरा सही से दिख नहीं रहा है, तो आप जो है फिर से क्रोमा की पे जाके क्रोमा की को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है अपना वो ठीक कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों, मैं कर रहा हूँ, मेरी ग्रीन स्क्रीन देखिए रिमूव कर ली है मैंने पूरी। दोस्तों, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी ग्रीन स्क्रीन जो है रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो की ग्रीन स्क्रीन जो है रिमूव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रीन स्क्रीन कितनी स्मूथली रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ रिमूव करने के बाद इसको सिंपली सेव कर लेना है। जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ, ये मेरी सेव है ये वीडियो, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सिंपली आपको सेव कर लेना है, बहुत इजी है दोस्तों। होप करता हूँ कि आप ये सब समझ चुके होंगे कि मैंने कैसे रिमूव करा। तो उसके बाद आपको सिंपली सेव कर लेना है अपनी वीडियो। तो सिंपली आप देख सकते हैं मेरी ये वीडियो सेव हो चुकी है। तो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये मैं अपने बैग जा रहा हूँ।